हेलो, दिस इज़ डे टू और माइनस 14 है आज टेम्परेचर। आज हम लोग सुबह सुबह बाहर निकले हैं, बड़े मज़े की धूप है। लुक, धूप आ रही है इतनी अच्छी। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं सेंटा क्लॉज विलेज और हस्की पार्क। हस्की पार्क तो यहाँ पे जाएंगे। ऐसे माइनस 14 हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा कोई मतलब इतने ज़्यादा लग नहीं रहा। आई थिंक हम लोगों ने लेयरिंग भी अच्छी की भी और ऊपर से पता नहीं, शायद हम लोग गर्म से अंदर बाहर आए तो थोड़ी देर में लगनी शुरू होगी क्योंकि मैंने अभी ग्लव उतारा हुआ है हाथ पे, से इतना बुरा नहीं लग रहा। और यहाँ पे देखो लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में आते हैं केबिन तक और उसके बाद फिर सुबह अपनी गाड़ियों में ही जाते हैं। यहाँ पे देखो सोना वगैरह भी है, हॉट बाथ भी है वहाँ पे। यू कैन सी देयर इज अ हॉट बाथ हियर। तो ये प्लेग्राउंड भी है थोड़ा सा। ये देखो दरख्त बिल्कुल सफ़ेद और मेरी नाक में बर्फ जमनी शुरू हो गई है। तो थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं और फिर 10 बजे की हमारी बस है टू सेंटा क्लॉज विलेज, तो हम लोग जाएंगे वहाँ। कोकोनट ब्रेड और ये हम लोगों ने सॉक्स लिए। आई थिंक हमारे सॉक्स ना इतने वार्म नहीं थे सो हम लोगों ने ये ले लिए हैं मिलिट्री सॉक्स। ये -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको वार्म रखते हैं तो ये हम लोगों ने ले लिए हैं। ब्रेड ना यहाँ की बहुत ही मज़े की है, कोकोनट ब्रेड है ये और जो हॉट चॉकलेट है सही सी है। ऐसा लग रहा है पानी में क्या करना है चॉकलेट घोल दी है, जिस तरह हमारी टी बैग वाली चाय होती है ना वैसे ही। ठीक है हम लोग आ गए हैं सेंटा क्लॉज विलेज। यहाँ पे दो और देसी फैमिलीज हैं। हम लोग जा रहे हैं हस्की पार्क क्योंकि वो 3 बजे बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सेंटा पार्क, मज़े की चीज़ें देखेंगे और यहाँ पे एक स्नोमोबाइल पार्क भी है, अगर टाइम बचा तो हम लोग वो भी कर लेंगे। यहाँ पे बड़ी कोई प्यारी लाइट आ रही है, सूर्य पर धूप और मज़े की लगती है। तो उस पीछे से भी आ रहा था। हम लोग हस्की पार्क में आ गए हैं और एक हमने लिया है ये हस्की हगिंग, इसके अंदर आप हस्की को टच कर सकते हैं। ओ, ओ, ओ।
हाय। हस्की पार्क हम लोग हो लिए हैं और अब हम लोग साइट सीइंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो राइड है वो 3 बजे है, तो फिर हम लोग इधर उधर घूमें, हो सकता है सांता क्लॉज विलेज चले जाएँ, वो थोड़ा सा अलग है। तो ये स्नोमोबाइल पार्क है और हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या करें। मेरी ग्लव्स में से डॉग फूड की खुशबू आ गई है यार, हस्की को खाना खिलाया था वहाँ पे, पर मुझे ये तंग कर रही है। हाँ फिर इंडिया विलेज आ गया, चलना है अंदर। हेलो हाँ फिर इंडिया राइड पे आ गए हैं। फॉरेस्ट पाथ, विंटर एडवेंचर एंड रेंडियर पाथ। आई थिंक फॉरेस्ट पाथ करते हैं, अच्छा लगेगा। चलो यहाँ एक ज़रा आग वाग लगाई हुई है, ये रेंडियर्स खड़े हैं और ये टिकटें हैं। चलो टिकट लेते हैं। अच्छा ये जो लाइन होती है ना, इसको अगर आप क्रॉस कर लें, ये जो 2, 1 और 2 पिलर नज़र आ रहे हैं, इनको अगर आप क्रॉस कर लें तो मतलब आप ऑफिशियली आर्कटिक सर्कल के अंदर हैं। तो हम लोग साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। Officially inside the Arctic Circle. अरे बड़ा cozy सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। चलो मिलते हैं सैंटा क्लॉज से।
तो अब हमने रेंडियर लाइफ रेंडियर राइड भी कर ली और उसकी जागिंग भी कर ली और हमने अच्छा खासा पूरा विलेज घूम भी लिया। और अब क्योंकि इट्स 2:45 तो हमारी 3 बजे राइड है, तो अब हम वापस जा रहे हैं हस्की पार्क राइड लेने और उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है आज चेंज करनी है, उसके बाद हम लोग अभी हमने प्लान नहीं किया कि उसके अलावा हमने करना क्या है, तो सब राइड लेने चलते हैं। ये स्नो मोबाइल पार्क है, ये मैंने पिछली किसी वीडियो में बनाया है, वो है हमारा हस्की पार्क पुणे में। हम लोग आ गए राइड के लिए, टाइम क्या हो रहा है? 3:07 है, इतने सारे कुत्ते लेके जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं, हमारे राइड जो है वो बड़ी दूर खड़ी थी। As far in the back as possible. I think we'll have to take Lagal. आ गए शायद, हमें जो लग रहा है वो ये है कि ये फॉरेस्ट मैंशन है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं और समझ भी नहीं आ रहा कि इसके अंदर जाया जाए या ना जाया जाए। इससे आगे सेंटास इग्लूज हैं, बट आई डोंट नो कि वो होटल है या क्या है। यहाँ पे एक स्नोमोबाइल खड़ी हुई है, इधर ज़्यादा लोग नहीं हैं इस एरिया में। ये है स्नोमैन वर्ल्ड, कूलेस्ट प्लेस, सांता क्लॉज, नो स्लेड्स,
भाई ये सब कुछ है यहाँ आइस बार, आर्कटिक स्नो होटल, शोरूम, स्नो रेस्टोरेंट, आइस स्लाइड एंट्रेंस। चलो देखते हैं क्या है अंदर। तो स्नोमैन वर्ल्ड में भी नहीं गए हम और सांता क्लॉज से मिलने भी नहीं गए हम, क्योंकि पैसे थे उसके और सांता क्लॉज से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था हम। तो अब हम लोग बस ऐसे ही कर रहे हैं, 4:30 बजे की हमारी बस है, 1 घंटा है हमारे पास, तो हम लोग बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। मेरी बैटरी भी नहीं है, तो सपना मैं ये जल्दी ख़त्म कर दूँ हम लोग।